मॉर्निंग सेशन ऑफ वेबिथॉन सीजन 9 एंड वीक नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं द गोल्डन स्टेप्स, 18 गोल्डन स्टेप्स, एंड फॉर बीइंग एन अमेजिंग होस्ट एंड प्रिपेयरिंग आवर पीपल नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो डिजिटली टू बी रेडी फॉर दिस प्रोग्राम. थैंक यू सो मच विशाल जी. दोस्तों, लेट मी टेक यू इन टू टूडे सेशन. चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब आज के इस सेशन के अंदर. मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर गैलरी में बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर मैं एक पर्सन को देख पा रहा हूँ जो जिनका नाम है मिस्टर सूरज कांत और एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड और VAC मेंबर. और जैसे वो जिस ढंग से, जिस सीरियसनेस से वो यहाँ पर है इस प्रोग्राम के अंदर, उनसे दो बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा. गुड मॉर्निंग सूरज कांत जी. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेस प्रोग्राम. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. यस सूरज जी, सभी लोगों से पहले आप यहाँ पर शामिल हैं, मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर. तो आपको कैसे लग रहा है इस वेबिथॉन सीजन के बारे में और क्या उम्मीद रखते हैं इस वेबिथॉन के अंदर आप? जी सर, वेबिथॉन जब से वाइब्रेंट वीवर सिस्टम में रेगुलर हमारा चल रहा है, हमारे लोगों को बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट मिलती है. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सर जितना हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे. क्योंकि जब हम फील्ड में मार्केट में होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजिंग, बहुत सारे लोगों को नो का सामना करना पड़ता है शुरू शुरू में जब वो लर्निंग मोड में होते हैं. तो वेबिथॉन में बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में होती हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए और डू एंड डोंट का हमें पता चलता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चलता है. तो हम अपनी बॉडी को सर डेली खुराक देते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ न्यूट्रिशन भी लेते हैं, बट ब्रेन की जो खुराक है वो बुक्स है या वेबटून्स है सर. तो मेरा ये मानना है सर, और आपके आगे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा सर. फंटास्टिक, फंटास्टिक. यस, ऑल द बेस्ट सूरज कांत जी एंड द एंटायर टीम ऑफ सूरज कांत जी जो यहाँ पर शामिल है. मुझे पता है सूरज कांत जी का जो ग्रुप है उसके अंदर मैं देखता हूँ कि वेबिथॉन का पोस्टर जैसे निकलता है, जैसे ही उसकी मैसेज पहुंच जाता है, तो सबसे पहले वो इंसान जो उस ग्रुप में एक्टिवली इसको प्रमोट करना शुरू करते हैं वो है हमारे सूरज कांत जी, जो चंडीगढ़ से हैं अभी इस वक्त और हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनके सारे टीम के साथ. स्वागत हो सूरज कांत जी आपका और आपके सारे टीम मेंबर्स का इस प्रोग्राम के अंदर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. यस, चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा द 18 गोल्डन स्टेप्स की शुरुआत हो रही है इस सीजन के अंदर. द 18 गोल्डन स्टेप्स यानी 18 ऐसे स्टेप्स, ऐसे पथ पर हमें जाने के लिए यहाँ पर सिखाया जा रहा है इंडस वीवा की जो पावरफुल वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमें ये अश्योरेंस दिया जा रहा है कि जैसे कोई होता है ना, हर किसी के अंदर ये होता है कि जब मैं किसी प्रोग्राम के अंदर चले जाऊं, किसी मेगा कन्वेंशन के अंदर चले जाऊं, या कभी VOP में आने के बाद, या कभी किसी RTP के बाद हो सकता है कि लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि सर हमें बताइए हमें करना क्या है. एक्चुअली करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. एक्शन जब हम बात करते हैं, एक्शन की जब बात होती है, सो देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डन. जैसे शिव केरा जी, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम जो ट्रेनर हैं और एजुकेटर मान सकता हूं, वो हमेशा उनकी किताबों में बहुत सारी चीजें लोगों को बताते हैं. जैसे उनका जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक बुक है जो यू कैन विन की बुक के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने सीखा अपनी शुरुआत के दिन में, आज भी उसको रेफर करता हूं. और वो कहते हैं कि सक्सेस इज लाइक यू नो, एक बार उनके ट्रेनिंग में जब मैं बैठा था तो उन्होंने एक चार्ट पर एक व्हील बनाया, एक व्हील यानी होता है ना चक्र, तो व्हील के अंदर उन्होंने कहा कि दिस इज द साइकिल व्हील, और उन्होंने उसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा सर्कल बनाया और अलग अलग स्पोक्स बनाने लगे. और वो कह रहे थे कि सक्सेस के लिए एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों की मिलावट, एक साथ उसकी ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत है. जैसे सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या वेबिथॉन में आने से हम करोड़पति बन जाएंगे? हाँ, वेबिथॉन में आने से आपका एक कदम करोड़पति की ओर आप बढ़ा सकते हैं. इस प्रकार बहुत सारे स्टेप्स है वीवा के अंदर जो हमें रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है. और आज इस वेबिथॉन सीजन 9 के अंदर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि हम यहां पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और लोगों को समझाने के लिए हम तैयार भी होने वाले हैं और अपनाने वाले हैं द 18 गोल्डन स्टेप्स.
और ये गोल्ड है, और गोल्ड की जब बात आती है तो रिसेंटली अवर रेस्पेक्टेड सीईओ अभिलाष जी वाज टॉकिंग अबाउट तनिष्क। तनिष्क एक ऐसा एक ब्रांड है मार्केट के अंदर जो टाटा ग्रुप ने शुरू किया ऑलमोस्ट 20-25 years ago, 20-25 साल पहले उन्होंने शुरू किया तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी, और आज वो देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी है। इसका कारण यही है कि लोग नकली गोल्ड, यानी गोल्ड के अंदर जैसे 18 कैरेट 20 कैरेट या 22 कैरेट का जो होता है, लोगों ने 20 कैरेट या 18 कैरेट 18 कैरेट या 20 कैरेट जो है उसको 22 कैरेट में बेचने लगे, और तब लोगों के मन में गोल्ड का विश्वास उड़ गया, गोल्ड पर पैसा लगाने का, गोल्ड खरीदने का जो मन है वो हट गया। और उस वक्त टाटा ने सोचा कि लोगों को असली गोल्ड देना चाहिए, तब जाकर लोग फिर से गोल्ड खरीदना शुरू करेंगे, और उन्होंने शुरू किया तनिष्क ब्रांड, और आज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी इन द कंट्री। और दोस्तों, जब भी किसी क्षेत्र के अंदर नकली ज्यादा हो जाता है, डुप्लीकेट ज्यादा हो जाता है, तब ओरिजिनल का वैल्यू बढ़ जाता है। चलो, इंडस वीवा की जब हम बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे नकली कंपनियों की आज ये सिचुएशन, माहौल जो बन गया है, उस वक्त जब एक जेन्युइन प्लेयर निकलता है मार्केट के अंदर, उस प्लेयर के साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं, जो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग भी आगे तनिष्क की तरह एक ब्रांड बनने वाले हैं। एंड आई थिंक वी आर स्टेपिंग इनटू द 10th ईयर ऑफ इंडस वीवा ऑपरेशन, और बहुत ही खुशी की बात है कि 9 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एंड वी आर एंटरिंग इनटू द 10th ईयर ऑफ ग्लोरी, 10 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस जर्नी, और 10 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट की मैं बात कर सकूं, टी फॉर 10 एंड टी फॉर ट्रस्ट। सो कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास दिन बर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल प्रोडक्ट से हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देना चाहते हैं। और जब एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो डेफिनेटली इंडस वीवा की जो टॉप लीडरशिप है वो हमेशा इस बात पर बिलीव करते हैं कि हमें लोगों को भी जेन्युइन एजुकेशन पहुंचाना चाहिए, जेन्युइन चीजें हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नकली जो है वो आज नहीं तो कल लोगों को पता चलता है, और लोग बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल दोस्तों लोग मैं कह सकता हूं कि काफी अलर्ट है। अगर आप असली नहीं हैं और आपके अंदर वो असलियत नहीं है, आपकी बातों में असलियत नहीं है, तो बहुत जल्द ही लोग उसे पहचान पाएंगे आपसे, आपके अंदर। तो इसलिए हमेशा हमें सही चीजों को सीखना है, सही चीजों को अपनाना है, और सही तरीका जो है उसे ही लोगों को समझाना है, वरना लोग आज नहीं तो कल नकली चीजों को पहचान लेते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि असलियत क्या है, और असलियत के अंदर अगर असली चीज लोगों को नहीं मिली तो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो लोगों को हमेशा हमारे साथ रखने का एक रहस्य है, भले थोड़ा सा लोगों को डराने में हमें दिक्कत हो, लेकिन हमें हमेशा लोगों के सामने सही चीजों को रखना चाहिए, सही चीजों को ही बताना चाहिए, और जो कमिटमेंट की जो बात होती है वो भी सही ही होना चाहिए। और चलिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग करोड़पति बहुत इजीली बन पाएंगे, हाँ, बाकी इंडस्ट्रीज से जब कंपेयर किया जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कहूंगा हमेशा, कभी भी नहीं कहूंगा कि इट इज वेरी 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 इजी। डेफिनेटली ये बहुत ही टफ है रास्ता, और यहां पर जो आपको गोल्डन स्टेप्स बताया जा रहा है, ये उन लोगों की एक्सपीरियंस से बनाया गया जो ऑलरेडी उस मुकाम तक, उस लेवल तक, उस अचीवमेंट की जो टॉप परफॉर्मेंस जो है उस लेवल तक जो जा चुके हैं, और उनकी एक्सपीरियंस को लेकर इस 18 गोल्डन स्टेप्स को बनाया गया, ताकि अब जो नए लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी आगे बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से वो बिजनेस के अंदर
आगे बढ़ सकते हैं और वो भी कामयाबी यहां से हासिल कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ हैं 760 से ज्यादा लोग कनेक्टेड। अभी भी अगर आपके लोग कनेक्टेड नहीं है तो जल्दी से उनको मैसेज कर दीजिए, क्योंकि वेबथॉन का जो सीखने का जो मजा है वो कुछ अलग ही है दोस्तों। चलिए लेट्स गेट इन टू अवर 18 गोल्डन स्टेप्स। अब 18 गोल्डन स्टेप्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, और सिस्टम को हमेशा फॉलो करना आपका एक बेसिक थंब रूल होना चाहिए। आप जो भी करते हैं उसके अंदर हमेशा ये चेक करिए कि क्या मैं सिस्टम के अनुसार, सिस्टम के असिंक्रोनाइजेशन में जा रहा हूं या सिस्टम से अलग होकर कुछ कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल तरीका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। आप इंडिया के अंदर भारत के किसी भी शहर में आप सबवे के अंदर चले जाइए, सबवे हो सकता है, मैकडॉनल्ड हो सकता है या KFC हो सकती है, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां पर मुझे पता नहीं काउंटर पे कौन सा बंदा वहां पर, कौन वहां पर रहने वाले हैं, लेकिन अगर वहां पर मैं जो आइटम आपको बताऊंगा, शायद वो एक कॉर्न स्पिनच सैंडविच हो सकता है, शायद वो एक जिंगर बर्गर हो सकता है, ये फ्रेंच फ्राइज हो सकता है, आप वहां पर जाकर जब वो ऑर्डर करेंगे आपको जरूर वो दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी एक इंसान की ताकत नहीं है, वो सिस्टम की ताकत है। यदि आप भी अपने बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहेंगे तो हमेशा ये चेक कीजिए कि व्हाट आई एम डूइंग, जो भी काम मैं कर रहा हूं, जो भी लोगों को मैं सिखा रहा हूं, जो भी लोगों को मैं बता रहा हूं, इज इट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम या इट्स ऑपोजिट, इट्स अगेंस्ट द सिस्टम, क्या वो सिस्टम के अनुसार, इस सिस्टम के बराबर चल रहा है या वो सिस्टम के विरोध यानी ऑपोजिट है। अगर आप चीजें सिस्टम के ऑपोजिट अगर आप चीजें करना शुरू करते हैं तो जल्दी से आप और आपके सारे लोग सिस्टम से, कंपनी से और इस वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि व्हेन यू गो अगेंस्ट द सिस्टम विल नॉट वर्क फॉर यू। तो सिस्टम तो बहुत ही पावरफुल है, उसका बेनिफिट यदि आप लेना चाहेंगे, मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आई कैन सेल only let's say a limited number of bottles or some products to a customer. एक customer को आज as Vishal Mohan supplier executive या सूरज कांत जी या हमारे साथ यहां पर हैं रंजित कुमार जी, कृष्णा वांकड़े जी, बलराज सिंह धिलौन जी और हमारे साथ हैं बीमल सिंह जी, ये लोग इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं और एज एन इंडिविजुअल हम जो भी अचीव कर सकते हैं, अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, उसके अंदर लिमिटेशंस है। हाँ, मैं आईपल्स रिटेल जरूर कर सकता हूं, लेकिन कितना कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं, एक इंसान हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है और मेरे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, इसके वजह से मैं हमेशा लिमिटेड ही इनपुट दे पाऊंगा और लिमिटेड ही आउटपुट या प्रॉफिट भी मैं पा सकता हूं इस बिजनेस के अंदर। यदि मैंने सिस्टम का ताकत समझ लिया और सिस्टम के हिसाब से अगर मैं काम करना शुरू कर डाला तो क्या होगा, कुछ समय के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल बिगिनिंग में क्या होता है, हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और कुछ समय के बाद सिस्टम हमें फॉलो करना शुरू करता है। सो आज जो भी 18 गोल्डन स्टेप्स आपके सामने जो पेश किया जाएगा इस वीक से, इन 18 गोल्डन स्टेप्स को जरूर आप फॉलो करिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हर वक्त जो भी आप कर रहे हैं क्या वो सिस्टम की बेसिस पे है, क्या वो सिस्टम के बराबर चल रहा है कि नहीं, उससे पता लगाने के लिए 18 गोल्डन स्टेप्स आपके लिए बहुत ही एक पावरफुल गाइडलाइन या एक रोड मैप मैं कह सकता हूं। तो व्हाट एवर यू डू इन द बिजनेस उसको हमेशा 18 गोल्डन स्टेप्स के साथ आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि क्या मैं सिस्टम के अलाइनमेंट में हूं या मेरा अलाइनमेंट हट गया है। यदि आपको वापस अलाइनमेंट में आना चाहिए तो इन 18 गोल्डन स्टेप्स को जरूर याद रखिएगा और इसे अपनाइएगा और जल्दी से आप वापस सिस्टम के अनुसार चलना शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 18 गोल्डन स्टेप का फर्स्ट स्टेप है जो यहां पर आपके सामने में पेश करना चाहूंगा, लेट मी गो इनटू दैट। यस, सो व्हाट इज द 18 गोल्डन स्टेप्स एंड उसके अंदर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, लेट मी कम टू यू हियर। यस, सो हियर वी गो।
1, 2, 3 यस, जो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और यस विशाल जी, कैन यू रीड द फर्स्ट स्टेप हियर व्हिच इज ऑन द स्क्रीन फॉर द पीपल? Yes, the first golden step is be a regular user of your products. Yes, fantastic. Thank you so much, Vishalji. And dosto, yes, as Vishalji rightly said here, be a regular user of your products, or let's say our products. Hamare jitne bhi industry ka jo products hai, you have to be a regular user of our own products. Kyun ye zaruri hai? Kyunki jab aap products regularly use karenge, तब जाकर इन प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स की जो बेस्ट चीज यहां पर जो है, जो प्रोडक्ट्स की जो मैं कह सकता हूं कि द बेनिफिट्स, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की जो बेनिफिट्स है, वो आप रेगुलरली जब आप यूज करेंगे, आप तब जाकर लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं. जब आप खुद इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, हाउ कैन यू टॉक टू द पीपल कॉन्फिडेंटली, और लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली आप कैसे बात कर पाओगे? सो फर्स्ट गोल्डन स्टेप, यानी दोस्तों गोल्ड का मतलब होता है असली. शुरुआत में मैंने वही कहा, अगर आप नकली हैं तो जल्दी से लोग आपकी नकलियत, यानी आपके अंदर जो असलियत नहीं है, उससे लोग पहचान लेंगे. तो बिफोर यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स टू अदर्स, Please talk to this person. यानी आईने के सामने, जब मिरर के सामने जब आप खड़े रहेंगे ना, उसके अंदर जो बंदा है, जो दिखता है आपको, उस व्यक्ति के साथ आप प्रोडक्ट्स को लेकर बात करिए. और बी अ रेगुलर यूजर ऑफ यूअर प्रोडक्ट्स. कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स विल गिव यू गुड हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स. यानी जब आप प्रोडक्ट्स को लगातार रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे, आपको तो आपका सेहत, आपकी जो हेल्थ जो है, उससे अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए ये मददायक है. इसीलिए मैं हमेशा इंडस विवा की जो आई थिंक ऑल द फाइव प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग राइट नाउ, अभी द सिक्स्थ प्रोडक्ट भी है, वो भी मेरे पास अभी रेडी है, अवेलेबल है. आई एम ऑलवेज एक्चुअली यूजिंग द प्रोडक्ट्स. यस, जिन लोगों के मन में ये सवाल आया कि सर आई ड्वेल कब तक मिलेगा, राइट दोस्तों, आई ड्वेल विल बी वेरी शॉर्टली अवेलेबल. एंड कंपनी का ये प्रॉमिस है, इन मार्च इटसेल्फ आपको कुछ गुड न्यूज देने का कंपनी का एक सोच है. लेकिन ये गलती मत करिएगा, जो प्रोडक्ट अभी तक आपके पिकअप, यानी आपके वीओटीएम पर या आपके कंपनी के वेबसाइट पर प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर जब तक नहीं आता, तब तक प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को मत बात करिए. हाँ, यहां पर आप लोग हैं जो इंडस विवा के अंदर हैं, वीबीओज हैं एंड वीआरस हैं, आप लोग विवा रिटेलर्स या विवा बिजनेस ओनर्स, इसीलिए आपके सामने मैं सीक्रेटली ये बता रहा हूं. आईडवेल मेरे पास है क्योंकि सैंपल मुझे दिया गया है यूज करके, फीडबैक देने के लिए. उसका मजा ही कुछ अलग है, वो जब आप यूज करेंगे आप खुद मुझे आकर बताएंगे. लेकिन जो पांच प्रोडक्ट अवेलेबल है वो रेगुलरली आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि when you use the product, जैसे शुरुआत में मैंने बताया और विशाल जी ने हमें याद दिलाया, यहां पर विवा के आप अंदर आप हैं, इससे ज्यादा आपके अंदर कितना विवा है ये जरूरी है. हां, उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि विवा का क्या आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर विवा के प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए. यू हैव टू यूज ऑल अवर प्रोडक्ट्स जितना भी हो सकता है. एटलीस्ट आई वुड से इफ यू कांट यूज ऑल द प्रोडक्ट्स, मिनिमम वन प्रोडक्ट आपके परिवार में, आपके फैमिली में रेगुलरली यूज होना चाहिए. यस, कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना मतलब पैसा मैं खर्च कैसे कर सकता हूं? भाई, आपको किसी ने पैसा घर से लाने के लिए नहीं बताया. आप प्रोडक्ट्स रिटेल करोगे, 12 प्रोडक्ट यदि आप 4 हफ्तों के अंदर रिटेल करोगे तो डिजिटल रॉकस्टार बनोगे. तो आपको तो ये प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा ही. सो अचीव फ्री प्रोडक्ट. अगर आप फ्री प्रोडक्ट भी अचीव करने के लिए आगे पीछे सोच रहे हैं तो देन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम. सो डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर योर ओन गुड हेल्थ. सो बी अ रेगुलर यूजर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स और अपना हेल्थ जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करिए. और ये गोल्डन स्टेप है, ये सिल्वर या प्लेट या कॉपर या रबर नहीं है. दिस इज गोल्डन. डोंट मेक इट यू नो फेक.
दिस इज 100% 22 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड हो सकता है. सो यूज द प्रोडक्ट. अमरजीत कौर जी यहाँ पर रिप्लाई दे रहे हैं कि राइट सर. थैंक यू अमरजीत कौर मैडम, आपने यहाँ पर मुझे सपोर्ट किया. यस, हमारे प्रसाद वी शिरोडकर जी जो मुंबई से हैं, उन्होंने आई कॉफी का पैकेट यहाँ पर दिखाया मुझे और वो कह रहे हैं कि देखिए सर मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ. यस, पहले इस्तेमाल करो. एंड बिना डायमंडी असम से वो भी मुझे दिखा रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट जो पी रहे हैं. आई थिंक आई 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 केयर और मे बी आई पल्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. जो भी है दोस्तों, यू शुड ऑलवेज बी द फैन ऑफ योर प्रोडक्ट. जैसे वो कहते हैं ना, एप्पल और बाकी कंपनियों के फर्क इतना ही है कि बाकी कंपनियों की जो फोन जो यूज करते हैं, शायद वो सैमसंग हो सकता है, शायद वो इट मे बी ओप्पो और वीवो, जो भी हो सकता है. आई एम नॉट कंडमिंग एनी ब्रांड, लेकिन मैं खुद एप्पल का एक फैन हूं, इसीलिए इस बात को यहां पर रखना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि बाकी कंपनियों के कस्टमर्स होते हैं और एप्पल के फैंस होते हैं. ये सुनने में बड़ा मजा आता है. अरे यार कैसे बात इन्होंने कहा. वो कहते हैं कि बाकी कंपनियों के कस्टमर्स हैं और एप्पल के फैंस हैं. तो दोस्तों हमें इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स के फैंस बनना चाहिए. राइट, व्हेन यू बिकम द फैन ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स, तब हम कह सकते हैं कि जैसे हीरे जी यहां पर हार्ट सिंबल दे रहे हैं, हमारे रेस्पेक्टेड डायमंड फ्रॉम गुवाहाटी, वो हार्ट सिंबल और स्माइल भी दे रहे हैं क्योंकि ये बात उनको समझ में आ गई. ये दिल पे लगना चाहिए दोस्तों. जब तक आप प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोडक्ट आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब वीवा आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब वीवा में आप नहीं हैं. और ये असलियत है. और जब तक आप ये असलियत को आप समझते नहीं और आपके अंदर ये एक्चुअल झूठ जो है, आप लोगों को कह रहे हैं कि प्रोडक्ट शानदार है, वर्ल्ड क्लास है, लाजवाब है, और इसका कभी टेस्ट तक आपने नहीं किया, तो दोस्तों ये झूठ है. और जब आप झूठ कहोगे, लोगों के सामने झूठ रखोगे और लोगों को झूठ बताओगे, तो दोस्तों लोग बहुत ही जल्दी से उसे पहचान लेते हैं. इसीलिए आपको झूठ नहीं कहना चाहिए, लोगों को सच कहना चाहिए. और आपके अंदर की सच्चाई क्या होना चाहिए कि आप खुद इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने वाला एक कस्टमर ही नहीं, कंज्यूमर ही नहीं, बल्कि उससे ऊपर. क्योंकि अगर आपको कस्टमर बनना है, कंज्यूमर बनना है, सो इट इज वेरी सिंपल. आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यू हैव टू बिकम द फैन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. आपको इन प्रोडक्ट्स की फैन बनना चाहिए. यू हैव टू बी सो मच एक्साइटेड कि जहां पर भी आप जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट बनेंगे. सो रिमेंबर दिस, नोट डाउन दिस, यू शुड बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट. यू हैव टू बी द फैन ऑफ आवर प्रोडक्ट. दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, कम्युनिटी कॉमर्स भी आप साइड में रखिए, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं, आप जाकर इंस्टाग्राम पर हर एक सेलिब्रिटी का पेज या पोस्ट, रील्स जो भी है वो देख लीजिए. सेलिब्रिटीज क्या करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, वो खुद के ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, खुद के लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो उनके फैंस को हमेशा ये संदेश देना चाहेंगे कि आई ऑलवेज लव यू, आई एम ऑलवेज गेटिंग बेटर फॉर यू, आई एम मेकिंग अ मूवी बेटर फॉर यू. सो दैट इज हाउ द सेलिब्रिटीज आर एंगेजिंग इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन ब्रांड. एंड दोस्तों इंडस वीवा के अंदर वी डोंट हैव एनी ब्रांड एम्बेसडर, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर. और आज यदि आप एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह इन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन, इस्तेमाल, विश्वास, एंडोर्समेंट, ये सब कुछ आज आप करेंगे एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो वेरी शॉर्टली नो डाउट यू विल बिकम अ ब्लैक डायमंड एम्बेसडर. सो रिमेंबर दैट यू आर द सेलिब्रिटी इन दिस बिजनेस हु इज सपोज टू प्रमोट, सेलिब्रेट, शेयर, एनहांस द प्रोडक्ट्स एंड एंडोर्स दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल. एंड गोल्डन रूल का थंब रूल कभी भूलना नहीं.
गोल्डन रूल्स तो 18 है और हर एक रूल का थंब रूल यही है कि नेवर एवर ब्रेक द गोल्डन रूल. इफ यू ब्रेक द गोल्डन रूल यू आर नॉट जेन्युइन, यू आर नॉट 22 कैरेट, यू आर जस्ट 18 कैरेट, यस व्हाटएवर इट इज, यू आर नॉट द 100% रियल इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज मिसिंग. तो आपको हमेशा अपने आप को 100% लोगों के सामने जेन्युइन पेश करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी से जेन्युइनिटी जो है उससे पहचान लेते हैं. और एक टिप देना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू नीड अनदर टिप, प्लीज रेज योर हैंड, अनदर टिप विद दिस 18 गोल्डन स्टेप्स, स्टेप नंबर 1. लवली, थैंक यू सो मच. लेट मी गिव यू द टिप. द टिप इज मेंटेन एक्सेलेंट फिजिकल हेल्थ to become brand ambassador of your products. अरे वाह, what a fantastic tip. यहां पर दोस्तों अपना health जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, अपना physical body जो है उसको अच्छे तरीके से maintain करना चाहिए. excellent physical health, क्योंकि दोस्तों when you maintain excellent physical health ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्ट्स की जो खूबियत है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी जो स्माइल एंड आपकी जो बॉडी का जो मैं कह सकता हूं कि द कैरिश्मा विच यू कैरी, दैट इटसेल्फ शुड शो द यू नो द ब्रांड ऑफ आवर इंडस्ट्री वा, द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर इंडस्ट्री वा शुड बी विजिबल इन यू. जैसे आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, जैसे आपने किसी को प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि दिस इज आई पल्स, दोस्तों ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉर्मुलेशन है. एक्सक्यूज मी, मेरा ना कुछ समय से थोड़ा सा हेल्थ का चैलेंज चल रहा है. थोड़ा पानी मिलेगा भाई? अच्छा, अगर दोस्तों अगर आप ऐसे बात करेंगे, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग वेलनेस इंडस्ट्री, यू आर इनटू इलनेस, यू आर इनटू डलनेस. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेंटेनिंग गुड हेल्थ. हाँ, आजकल everybody's health is having some or other challenge. You may have fever, viral fever, पता है ना आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है because of the change of the weather and the climate. So उसके वजह से हो सकता है, but make sure जब आप लोगों के सामने रहेंगे, जैसे शाहरुख खान कैमरा के सामने आने से ही उनका पूरा पर्सनालिटी कैरेक्टर बदल जाता है, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ द मूवी विच एवर इज एक्टिंग. फॉर एग्जांपल, अगर पठान मूवी है तो शाहरुख खान शुड बिकम द पठान कैरेक्टर. अगर प्रभास बाहुबली के कैरेक्टर पे आ गए हैं तो उनको बाहुबली के कैरेक्टर पे आना पड़ता है. जब आप लोगों के सामने रहते हैं, रिमेंबर दिस माय डियर फ्यूचर सेलिब्रिटीज एंड फ्यूचर करोड़पतिस, जब भी आप लोगों के सामने आते हैं, जब लोग आपको देखते हैं, शायद वो आपके एसोसिएट्स हो सकते हैं, मार्केट के लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, जब आप इंडस्ट्री वा के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, आपका फिजिकल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस और आपकी जो बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पे स्माइल, आपकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस, ये दमदार शानदार होना जरूरी है. Right, so maintain good, not good, I would say excellent physical health and become the brand ambassador of our world class products. जो लोग आपको पूछेंगे, are you using the product? आपको अपना पेट दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए, can you see my tummy, the flat tummy? This is the outcome of I Slim. I've been using I Slim. Can you see this glow on my skin? This is the outcome of eye glow, right? Can you see my energy is very high because of eye coffee? Can you see the sugar levels have gone down? Isse pehle I was diabetic. Now see, I'm very much able to control my sugar and I'm eating my favorite food. I'm able to enjoy a very good lifestyle. Ye hona chahiye, my dear friends, the, you know, a brand ambassador of our products. ये उम्मीद मत रखिए कि एक दिन कोई सेलिब्रिटी आकर हमारे प्रोडक्ट्स जो है उसके ब्रांड बनने वाले हैं. आप खुद इंडस विवाह के प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. डू नॉट टेक इट लाइटली, राइट? कितने लोगों को स्टेप नंबर 1 समझ में आया? प्लीज हाथ ऊपर करिए. एंड यस, इफ इट इज वेरी 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 क्लियर, लेट मी टेल यू, जैसे आज मैंने शुरुआत से अभी तक मैंने रिपीट भी किया कि इट शुड बी गोल्डन स्टेप, इट शुड नॉट बी अ नकली या फेक स्टेप. सो आज से स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी. आपका जो फिजिकल बॉडी है उसका ख्याल रखिए. एवरी डे इन्वेस्ट सम टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टू कीप योर सेल्फ इन गुड शेप.
अपने आप को एक अच्छे शेप में रखना चाहिए। और दोस्तों लोगों के सामने जब आप जाते हैं, व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों को आपके ओर आकर्षित करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकता है? इट इज योर बॉडी, योर फिजिकल बॉडी। इस बॉडी का ख्याल रखेंगे आप, इसका बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, आपका टम्मी जो है, पेट, वो सूट जो आपने पहना, ब्लेजर, उससे बाहर नहीं आ रहा है और आप एकदम फ्रीली उनके सामने खड़े हो पा रहे हैं और एक बहुत अच्छा सेल्फी ले पा रहे हैं उनके सामने विदाउट मच डिफिकल्टी, अपने शरीर को आप पेश कर पा रहे हैं, अपने आप को आप प्रेजेंटेबल रख पाते हैं ना, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन एनी मीटिंग विद एनी बॉडी। और जब आपका पेट बाहर निकला होता एंड यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस, पता क्या लोग ये सोचेंगे, अरे बंदे ने अपना पेट संभाल नहीं पाया, बिजनेस कैसे संभालेगा, राइट? आपको लगता है कि नहीं सर जी, मैं वो शादी में गया था, वहां पर गुलाब जामुन जो है वो थोड़ा मजा आ रहा था, 4 गुलाब जामुन ज्यादा मैंने खा लिया। अरे यार, 4 गुलाब जामुन के चक्कर में डायमंड चिप को 4 साल आगे डाल दिया आपने। अरे यार सोचो, गुलाब जामुन चाहिए या हेल्दी लाइफ चाहिए, डायमंड चिप चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए? तो अभी से जब भी गुलाब जामुन दिखता है तो गुलाब जामुन खाना। जैसे बाबा रामदेव की जो एडवाइस है, अगर आपको मीठा खाना पसंद है, 4 गुलाब जामुन खाने के लिए अगर आपको 10 मिनट या 8 मिनट या 5 मिनट समय लगता है, एक ही गुलाब जामुन ले लो, उसको टुकड़े टुकड़े थोड़ा सा लेकर, जो 4 गुलाब जामुन खाने का समय लगता है ना, उस 4 गुलाब जामुन के समय में एक गुलाब जामुन खा लो, अब गुलाब जामुन का मजा भी ले लिया, अपनी पेट को भी संभाल लिया, राइट? सो दोस्तों, बीइंग फिजिकली फिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपका पेट आज बाहर है तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल फिटनेस। ये मैं आपको 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी नहीं बताता, क्योंकि मेरा भी खुद का पेट प्रेग्नेंट बॉय की तरह होता था, हुआ करता था। लोग कभी कभी देखते हैं, हाँ प्रेम जी क्या आप प्रेग्नेंट है? मैं बोलता था नहीं, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया और मैं बहुत सारा रीजन दे रहा था। हीरक जी आपको पता है ना, हीरक जी मैं हमेशा आरटीपी में रहता हूँ, प्रोग्राम में रहता हूँ और मेरा टाइमिंग थोड़ा इधर उधर है, पूरा बहाना देने का मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद अपने शरीर को कंट्रोल में लाया, इस जीव को जो आप देख पा रहे हैं ना, इसके चक्कर में अपना हेल्थ कभी खोने मैं भी नहीं देता हूं। मुझे पता है गुलाब जामुन अच्छा है, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को पेश करने में और मजा आता है, अपने आप को फ्लैट टमी दिखाने में और मजा आता है, एक टाइट टी शर्ट पहनने में और खुशी मिलती है। तो इसीलिए मैंने अपना फिजिकल बॉडी को संभाला, अपनी आदतों को बदल डाला, अपनी लाइफस्टाइल को बदल डाला, अपने आप के हेल्थ के लिए मैं हमेशा टाइम इन्वेस्ट करता हूं। दोस्तों ये करने के बाद आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, यू कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि इफ आई कैन डू You can definitely do it and it is very much possible. कुछ नहीं दोस्तों, बस 21 दिन की आदत है। जो भी आपके लाइफ में आप अचीव करना चाहेंगे, मुसीबत सिर्फ और सिर्फ 21 दिन की है। 21 days आपकी पुरानी आदतें आपके अंदर नई आदतों को डालने नहीं देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? लगातार लड़ना चाहिए। अपनी हेल्थ को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो 21 दिन की लड़ाई है। अगर अपने आप के अंदर अच्छा फिजिकल फिटनेस लाना चाहेंगे, 21 दिन की बात है। सुबह जल्दी उठना चाहेंगे, 21 दिन की बात है। अगर 21 दिन किसी भी चीज को कर डाला तो मान लो लाइफ हो गया झिंगा लाला। तो 21 दिन की बात है, तो 21 दिन तक अपने खाने का जो लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव लाइए और उसको फॉलो करिए। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, यानी सेम टाइम स्लीपिंग एंड सेम टाइम गेटिंग अप एवरी डे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को लगता है कि सिर्फ खाने से अपना फिजिकल फिटनेस चला जाता है, नहीं दोस्तों, सिर्फ खाना ही नहीं, ईटिंग राइट फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और लाइफस्टाइल की जो हम बात करते हैं,
रात को अगर 11 बजे सोना है तो 11 बजे हमें सो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्लीप। मॉर्निंग अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। अगर इस साइकिल पे भी आ जाएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं 80% डिसिप्लिन, यदि आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया तो आप अपने बॉडी के अंदर एक सुधार, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर एक सुधार जरूर लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों 18 गोल्डन स्टेप में फर्स्ट स्टेप बहुत ही शानदार स्टेप है, जिसके अंदर हमें बनना चाहिए प्रोडक्ट के यूजर, नो आई एम सॉरी कंज्यूमर, नो आई एम सॉरी कस्टमर, नो नो आई एम सॉरी फैन। यस, आपको बनना चाहिए इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स के फैन बनना चाहिए, दीवाना बनना चाहिए आपको खुद। आप जब फैन बनेंगे ऑटोमेटिकली, फैन का क्या होता है, जब भी पंखा चलता है ना ऑटोमेटिकली The air is, you know, there everywhere. जहां पर भी आप जाएंगे, if you are a fan of our products, automatically आपकी जुबान से इन products के बारे में लोगों को आप बताएंगे, और जब shutter खुलता है तो automatically दुकान पे बिक्री शुरू हो जाता है, लोग products आपसे सुनना शुरू करेंगे, आपसे खरीदना शुरू करेंगे, आपके business भी बढ़ेगा। तो be the fan of our products, the regular user of our products, become the product of the product, and consuming our products will give you good health, अपना health maintain कर सकते हैं, और लोगों को confidently products के बारे में आपको products के benefits भी बता पाएंगे। and the second point is physical health आपका बहुत important है, क्योंकि लोग आपके products को पसंद करें, आपसे products खरीदें, इससे पहले लोग आपको पसंद करना जरूरी है। जब तक आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपकी आवाज, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका कहने का ढंग और आपका आपका जो स्टाइल और आपकी फिजिकल फिटनेस, ये जब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तब लोग आपसे प्रोडक्ट्स खरीदना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट, लेट्स से कोई आकर आपके बच्चों को ना इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, और आपने उनसे पूछा, ओके मैडम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग इन इंग्लिश, एंड वो कहती है कि सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइए थोड़ा सा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग इन इंग्लिश, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश इन योर लाइफ, सर मुझे ये थोड़ा तेज लग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बताइए, धीरे धीरे समझाइए, और फिर से आप पूछ रहे हैं, मैडम फ्रॉम व्हेन आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, सर सॉरी आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ना लिख के भेजिए, मैं इसका मीनिंग डिक्शनरी या गूगल पे सर्च करके बाद में बताऊंगी। तो क्या आप अपने बच्चे को वहां पर इंग्लिश सीखने बेचेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको हमेशा जो आप खरीदना चाहेंगे, एज ए कस्टमर आप सोचिए, जब आप कुछ खरीदना चाहेंगे सबसे पहले उस इंसान को देखेंगे जो आपको वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा, राइट और उससे आप सवाल करेंगे कि क्या आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, या किसी और को इससे बेनिफिट मिला कि नहीं, ये सब कुछ होता है ना। सेम वे जब हम लोगों को वेलनेस प्रोडक्ट्स बताना चाहते हैं, लोगों को वेलनेस प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो हमें अपने आप के अंदर वो वेलनेस का ऑरा, वेलनेस की एनर्जी, वेलनेस की जो फीलिंग अपने आप के अंदर हमें लाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। इसीलिए लेट द पीपल सी द गुडनेस ऑफ आवर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन यू। इसीलिए वो कहते हैं कि आप इंडस वीवा में हो या इंडस वीवा आपके अंदर है, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब वही होगा जब आप इंडस वीवा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, अपनी फिजिकल बॉडी का अच्छा केयर रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये लोगों को पता चलता है कि आप वीवा में हैं, और उससे बढ़कर वीवा आप में आपके अंदर भी है। ये हो गया दोस्तों 18 गोल्डन स्टेप का फर्स्ट स्टेप। चलिए नेक्स्ट वीक में फिर से हम कनेक्ट होंगे वेबथॉन सीजन 9 का वीक नंबर 2 में, जहां पर नेक्स्ट गोल्डन स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज हमेशा लाइफ में ये जानता हूं, और ये मैं मानता हूं, और इससे अपनाता हूं, और हमेशा लोगों को भी बताता हूं कि सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमने सीखा, वॉट एवर यू आर लर्निंग, जो हमें सिखाया गया, उससे जितना मतलब कितना जल्दी से आप उसे अपनाएंगे,
उसको अप्लाई करेंगे, ये आपका एक हिस्सा बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बताया, जब आपको कोई कुछ सिखाते हैं तो आपको हमेशा थैंक यू कहना चाहिए, आपको कोई मदद करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं तो आपको थैंक यू करना चाहिए। ये किसी ने मुझे सिखाया, उस कॉन्वर्जेशन के अंत में मैंने उनको थैंक यू कहा और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया, उन्होंने कहा तुम बहुत जल्द ही लाइफ में सीख लेते हो और अपना लेते हो, क्योंकि उन्होंने बताया कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो उस सेशन के अंत में मैंने उनको जाकर थैंक यू कहा। तो दोस्तों, लाइफ में जब आप अप्लाई करते हो किसी चीज को, वो आपके अंदर एक पार्ट ऑफ यू बन जाता है, जैसे आपका एक हिस्सा बन जाता है। तो आज जो आपने सीखा इसको जरूर अपनाइए, क्योंकि मैं चाहूंगा आप उस कैटेगरी में नहीं रहे कि जो लोग सिर्फ सीखते रहें, लेकिन उस कैटेगरी में चले जाइए जो सिर्फ सीखते हैं नहीं, वो अपनाते भी हैं। राइट, सो अप्लाई दिस इन योर जर्नी फॉर द नेक्स्ट वन वीक, और नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे जरूर आपसे मैं सुनना चाहूंगा कि आपने 18 गोल्डन स्टेप्स की जो फर्स्ट स्टेप है उसको कैसे अपनाया और इससे किस प्रकार के बदलाव आपके अंदर आप ला पाए। 800 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के अंत के इस समय पर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक हम सब लोग मिलकर हमारे टीम से और भी लोगों को इस प्रोग्राम में लेकर आए, ताकि उनको भी ये नॉलेज हम दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल।